फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर राकेश कुमार त्रिपाठी और बहुत ही कम समय में हम चालू करते हैं इसको। इसमें आपको पूछा है दिस क्वेश्चन, f of x is equal to x square sin 1 by x when x is not 0 and 0 when x is 0 is a continuous function or not। तो ये हमको पता लगाना है continuous function है x is equal to 0 पे या नहीं है। तो आप देखें, ये क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.1 को बिलोंग करता है, लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके वजह से मैं कई सारे सवाल आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। जैसे कि ये कोई क्वेश्चन है, आप मान लीजिए x साइन 1 बाय x व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0, 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0, इसकी कंटिन्यूटी हम चेक करेंगे एट x इज इक्वल टू 0, f ऑफ x इज इक्वल टू, बहुत सारी बातें आज साथ साथ करेंगे, क्योंकि ये सारे कंसेप्ट दोस्तों बहुत सॉलिड होते हैं और ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हैं। ये देखिएगा, ये मैंने कई सारे लिखे हैं, ये सब आपस में इंटरलिंक्ड है और मैं आपको बहुत सारी बात बताऊंगा, इसीलिए इस वीडियो को एक्सक्लूसिवली अलग से बनाया है मैंने। तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस में ही हम डील करेंगे, आज इसी टाइप के क्वेश्चन समझने की कोशिश करेंगे। तो इस क्वेश्चन को समझते हैं। इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले हम राइट हैंड लिमिट देखते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0। लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या होगा हमारा, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 होगा f ऑफ a प्लस h, पर हमारा जो पॉइंट है वो इन दोनों को देख के पता लग गया कि x इज इक्वल टू a, कौन सा पॉइंट है वो 0। तो a 0 है तो यहाँ पे आ जाएगा f ऑफ a प्लस एच मीन्स f ऑफ 0 प्लस एच। एंड f ऑफ 0 प्लस एच देखिएगा क्या होगा, f ऑफ 0 प्लस एच मीन्स नॉट 0, नॉट 0 है तो ये वाला फंक्शन में ऑप्ट आउट करना पड़ेगा। आप डायरेक्ट इसकी लिमिट RHL और LHL इक्वल हो तो आप वो भी निकाल सकते हैं, डायरेक्ट कैसा भी लिख सकते हैं आप, लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x। अगर आप राइट हैंड और लेफ्ट हैंड को अलग अलग कैलकुलेट नहीं करना चाहते तो आप ये भी कर सकते हैं। तो ये लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h इस केस में जाएगा x नॉट इक्वल टू 0, तो ये यहाँ पर हो जाएगा 0 प्लस h स्क्वायर साइन 1 अपॉन 0 प्लस h। आप ध्यान से सुनिएगा क्योंकि अब हमें बहुत सारी बातें, बहुत सारा डिस्कशन करना है, उसको समझना है और फिर आगे बढ़ना है। अगर आप ये क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं साथ साथ में, ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है बहुत ज़्यादा सॉलिड हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 में RHL क्या होगी, RHL हो जाएगी लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, जैसा उसमें है वैसा ही इसमें भी है, जैसा कोई खास चेंज उसमें नहीं है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 प्लस h आप इसमें रख दीजिए, 0 प्लस h साइन 1 अपॉन 0 प्लस h मीन्स 1 अपॉन h। तो ये हो गया आपका लिमिट h टेंड्स टू 0। कई बार अब जो इम्पोर्टेंट बात है जहाँ बच्चे गलती करते हैं वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। वो इसको लिख देते हैं साइन 1 बाय h और h को नीचे भेज दिया 1 अपॉन h। इज इट ट्रू, यस इट इज ट्रू, no problem is there। Will it be equal to 1? अब सवाल उठता है, is it equal to 1? तो answer is no। अब इसका answer समझना होगा हमें। ये सवाल मैंने जानबूझ के लिखा ताकि बच्चों को जो conceptual problem आती है वो इसमें clear कम हो पाती, इसमें clear उसको ज़्यादा हो पाएगी, आपको clear ज़्यादा होगी और आपका concept भी solid बन जाएगा। और अगर बेस बनाना चाहते हो आप तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, लिंक हिट करें और पिछले वीडियो सारे देख डालें। तो देखिए, आंसर विल बी नो, जबकि आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, ये पढ़ा है आपने लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाय थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो व्हाई इज दिस नॉट ट्रू, इफ दिस इज ट्रू शुड इट बी ट्रू, नो इट्स नॉट, इट शुड नॉट बी ट्रू, ये गलत है। क्यों गलत है, आइए आप इसकी गहराई को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इसमें जब थीटा 0 की जगह जरा जाता है, व्हेन थीटा टेंड्स टू 0 मतलब एंगल टेंड्स टू 0, एंगल किसकी तरफ जाता है, 0 की तरफ जाता है। और द सेम थिंग शुड बी इन डिनोमिनेटर, वैसा ही यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी होना चाहिए।
लेकिन यहाँ पर आप देखें when h tends to zero, जब h जीरो की तरफ जाता है तो क्या एंगल जीरो की तरफ जाता है? नहीं, एंगल जीरो की तरफ नहीं जाता, बिकॉज when h tends to zero, जब h जीरो की तरफ जाएगा तो 1/h उसका उल्टा है, that will tend to infinity, तो ये infinity की तरफ जा रहा है, तो ये इसका आंसर 1 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एंगल इज नॉट टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो। और इसको और अच्छे से समझते हैं, मैं आपको कुछ लॉजिक की बात और डिस्कस करता हूँ। मान लीजिए आपके पास है लिमिट x टेंड्स टू a और यहाँ पर लिखा है साइन x अपॉन x, क्या आंसर होगा आपका? क्या आंसर होगा आपका? क्या 1 होगा आंसर? नो, इट्स नॉट 1। क्या होगा आंसर आपका? आप x की जगह a सब्स्टिट्यूट कर दें, आंसर विल बी साइन ए अपॉन ए। बस द कंडीशन शुड बी इन ए कि ए जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ए इज लाइंग इन डिनोमिनेटर, ए डिनोमिनेटर में लाइन कर रहा है। दूसरी बातें करते हैं, अगर हमारे पास ऐसा हो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो है और यहाँ पे लिखा है हमारे पास साइन ए अपॉन ए, तो आंसर क्या होगा? क्या वन होगा? नहीं, आंसर होगा आपका साइन ए अपॉन ए। क्यों होगा ऐसा आंसर? तो इसके लिए एक और छोटी सी बात आप समझे कि अगर आपके पास ऐसा लिखा रहता था लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, ये एक्स टेंड्स टू फोर लिखा है और यहाँ पे लिखा है सेवन, तो सेवन में आप क्या लिमिट रखेंगे? अगर यहाँ पे सेवन एक्स लिखा होता तो आप सेवन इंटू फोर लिख देते, पर जब केवल सेवन लिखा है तो फिर आपको क्या लिखना है? तो आपका आंसर क्या रहेगा? x tends to 4, x 4 की तरफ जा रहा है, पर 7 किसकी तरफ जाएगा? तो 7 will remain 7, 7 7 ही रहेगा, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। पर अगर यहीं पे ऐसा 7x होता, 7x minus 2 होता, तो क्या लिख देते आप? तब आप ऐसा लिख देते। तो वही the same concept is here, similar concept is to be applied। यहाँ पे क्या बात हुई? अगर x 0 की तरफ जा रहा है तो does it have any x? क्या इसमें कोई x है? If it doesn't have, यानी इसमें नहीं है तो ये जहां जा रहा है वहीं जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो one should be very careful while calculating the limits। तो अगर ऐसा है, let's come to the next thing, limit x tends to zero और sin यहाँ पर लिखा हुआ है x square और यहाँ पर लिखा है x, अगर यह sin x by x है तो of course it is one now, why? क्योंकि एंगल इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, एंगल जीरो की तरफ जा रहा है, एंड द सेम थिंग शुड बी इन न्यूमरेटर हियर इन साइन ऑफ समथिंग, जो साइन के अंदर है वो चीज यहाँ पे वही चीज यहाँ पे होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाता है आपका? इसका आंसर हो जाता है 1। पर प्रॉब्लम क्या बोली मैंने आपको कि अगर यहाँ पर लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो है और यहाँ पर साइन ऑफ एक्स स्क्वायर है और डिनोमिनेटर में क्या है आपके पास? एक्स है, तो x जीरो की तरफ जा रहा है, that is true, even it is tending towards zero, अंदर वाला जीरो की तरफ बढ़ रहा है, जब x जीरो की तरफ जाएगा तो naturally x square भी जाएगा, पर जो चीज यहाँ लिखी है, the same thing should be here, वही की वही चीज यहाँ पे होना चाहिए। अभी है क्या? नहीं है, अभी नहीं है तो limit cannot be applied, तो limit apply करने के लिए क्या करेंगे हम? x से divide कर देंगे और x से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब कैन दिस बी वन? यस, नाउ इट कैन बी वन। क्या कंडीशन है? एंगल शुड टेंड टू जीरो, साइन के अंदर जो एंगल है वो दैट शुड टेंड टू जीरो, वो जीरो की तरफ जाना चाहिए, और जो वो हो वही की वही सिमिलर थिंग शुड बी इन डिनोमिनेटर, वही की वही चीज डिनोमिनेटर में भी हो। अगर ऐसा होता है तब ये वन हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? वन और इनटू एक्स किसकी तरफ जा रहा है? जीरो की तरफ, तो आंसर कितना हो जाएगा इस केस में? जीरो। और मैं एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन आपसे करता हूं, अगर आपके पास ऐसा लिखा हो लिमिट एक्स टेंड्स टू वन, एक्स टेंड्स टू ए, ये सारे रिजल्ट्स आप बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोट भी कर सकते हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, यहां पर लिखा है साइन एक्स माइनस ए, अपॉन में क्या लिखा है? x माइनस ए लिख दिया है, साइन x माइनस ए अपॉन x माइनस ए। अब x a की तरफ जाएगा तो ये किधर की तरफ जाएगा? तो जब x की तरफ, x a की तरफ जाएगा तो x माइनस ए जीरो की तरफ जाएगा, और जो ये है वही की वही चीज यहाँ पे लिखी है, तो दिस रिजल्ट विल बी इक्वल टू व्हाट?
दिस रिजल्ट विल बी इक्वल टू वन, ये वन की तरफ हो जाएगा। तो द इम्पॉर्टेंट थिंग, जब लिमिट सब्सटीट्यूट करो तो जो साइन के अंदर हो वही की वही चीज नीचे हो। दिल से समझे आप, जब लिमिट सब्सटीट्यूट करो तो जो साइन के अंदर हो वही नीचे हो और दोनों जीरो की तरफ जाए तो आंसर क्या होगा आपका, वन होगा। तो इस केस में ऐसा नहीं हो रहा है। कैसा नहीं हो रहा है समझते हैं, जब एच जीरो की तरफ जाता है तो जो इसका एंगल है दैट टेंड्स टू इंफिनिटी, वो इंफिनिटी की तरफ जाता है तो फिर क्या होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो ये एक डिफरेंट काइंड की का क्वेश्चन है, तो इसको और अच्छे से इत्मीनान से हम डिस्कस करते हैं। तो जो इंडिटरमिनेट फॉर्म पढ़े होंगे आपने, इंडिटरमिनेट फॉर्म में एक फॉर्म होता है, तो पहले तो मैं लिख दूं कि दिस इज नॉट वन। तो अगर आपको मिसकंसेप्शन है तो अब आपका मिसकंसेप्शन दूर हो गया होगा कि दिस इज नॉट इक्वल टू वन। अब होगा क्या वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो आपने कुछ फॉर्म पढ़े हैं जैसे जीरो अपॉन जीरो नॉट डिफाइंड, आप अपने कैलकुलेटर में भी चेक कर लें, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट नॉट डिफाइंड, जीरो इंटू एनीथिंग वाला कंसेप्ट आप भूल जाए, जीरो इंटू एनीथिंग इज जीरो, दैट इज नॉट ट्रू, फैक्चुअल बात नहीं। तो जीरो इंटू इन्फिनिटी ये भी नॉट डिफाइंड है। तो और भी है चार, पर अभी हम इन्हीं पे बात करते हैं। जीरो इंटू इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड, जीरो बाय जीरो नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड, इनका कोई भी रिजल्ट फिक्स नहीं है। दैट इज वाई दे आर कॉल्ड इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इनडिटर्मिनेट फॉर्म, सेवन इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स आर देयर, दीज थ्री आर फ्रॉम देम, ये तीन उनमें से हैं। तो इसमें कौन सा लगेगा, तो इसमें मैं आपको बताता हूँ, इसको वापस से वैसे लिख देता हूँ जैसा लिखा था। एक बात आपके क्लियर हो गई कि ये वन नहीं होगा, तो फिर क्या होगा, ये हो जाएगा एच साइन वन बाई एच। अब हमें इंडिविजुअली बात करना पड़ेगी, एच जीरो की तरफ जा रहा है तो ये किसकी तरफ जाएगा, जीरो। कई बार बच्चे ऐसा भी सोचते हैं एच जीरो की तरफ जाएगा तो जीरो इंटू एनीथिंग इज जीरो, नहीं ऐसा नहीं कर सकते आप, ऐसा नहीं होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, नहीं तो ऐसा हो जाता। लिमिट एक्स टेंड्स टू, मान लीजिए वन लिखा है, यहाँ लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस वन और यहाँ पे लिखा है वन अपॉन एक्स माइनस वन। अब मान लीजिए एक्स वन की तरफ जा रहा है तो ये जीरो इंटू एनीथिंग, जीरो इंटू ये एनीथिंग जीरो हो जाता, पर दिस इज नॉट ट्रू, ये ट्रू नहीं है, दिस इज नॉट जीरो। तो फिर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसका फैक्टर कॉमन वाला कैंसिल करते हैं, तो इसका सही आंसर होता है ट्रू, द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ट्रू। तो मेरे कहने का मतलब यही था, क्योंकि ये उसी में से एक है, कौन सा फॉर्म है, देखिए आप, व्हेन आई पुट एक्स इज इक्वल टू वन इट विल बिकम जीरो, और व्हेन आई पुट एक्स इज इक्वल टू वन हियर इट बिकम्स वन बाय जीरो, वन बाय जीरो मीन्स यू कैन अंडरस्टैंड इन्फिनिटी। इसीलिए इसका आंसर जीरो नहीं है, इसका आंसर टू है, लेकिन उस टू के ऊपर हमें डिस्कशन ज्यादा नहीं करनी, अभी हम इस पे बात करना चाहते हैं। तो हमें जस्टिफाई करना पड़ेगा कि एनीथिंग एनीथिंग इज एनीथिंग नहीं है, दिस इज नॉट एनीथिंग, तो व्हाट इज दिस थिंग। तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि एच जीरो की तरफ जाएगा तो ये साइन वन बाय एच का क्या होगा। जब तक हम ये नहीं बता पाएंगे कि साइन वन बाय एच का क्या होगा, तब तक हम बहुत ज्यादा बात सही नहीं कर पाएंगे। तो हमें फिर साइन की बात पता चली कि साइन क्या होता है, तो ध्यान से सुनिए, ये तो जीरो की तरफ जाएगा अनडाउटेडली इट इज ट्रू, बट व्हाट अबाउट साइन वन बाय एच। जब एच जीरो की तरफ जाएगा तो वन बाय एच इंफिनिटी की तरफ जाएगा, फिर एक बार लिख दिया, आप माइंड ना करें। अब साइन का ग्राफ देखिए, साइन के अंदर जो एंगल होता है उसको आप एक्स बोलते हो, एक्स की वैल्यू बढ़ती जाती है, जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ती जाती है ग्राफ इसका बढ़ता जाता है आगे, लेकिन उस ग्राफ में एक खास बात होती है, पीछे भी इसी तरह से होता है, वो ग्राफ क्या होता है, प्लस वन और माइनस वन, माइनस वन से प्लस वन तक ही होती है उसकी वैल्यू, अंदर का कुछ भी वैल्यू बढ़ा दो आप, क्योंकि अंदर का अगर आप वैल्यू बढ़ाएंगे तो ग्राफ आगे जाएगा, लेकिन जो उसका आउटपुट होगा
जैसे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स है, मान लीजिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स है, तो ये जो है इसकी वैल्यू माइनस वन से क्या रहेगी, वन तक ही रहेगी, वो कभी भी क्या नहीं होगी, इन्फिनिटी नहीं होगी। अगर वो कभी भी इन्फिनिटी नहीं होगी तो फिर हम उसमें कुछ बात कर सकते हैं। तो वो बात क्या कर सकते हैं, तो वो मैं आपको बताता हूँ कि what kind of discussion we can have here as h tends to zero। जैसे जैसे h जीरो की तरफ जाएगा naturally 1 by h tends to infinity, but sin 1 by h oscillates कहां से कहां तक oscillate करेगा, from minus between नहीं लिखेंगे हम, क्योंकि वो माइनस वन से वन भी हो सकती है वैल्यू, माइनस वन टू वन बिटवीन नहीं लिखेंगे, विच इज अ फाइनाइट वैल्यू, विच इज अ फाइनाइट वैल्यू। तो जो आपने पहले पढ़ा था जीरो इंटू एनीथिंग वो गलत है क्या, यस दैट इज नॉट ट्रू, क्योंकि जीरो इंटू फाइनाइट इज जीरो, आप ध्यान रखिएगा, जीरो इंटू फाइनाइट इज जीरो, जीरो इंटू इनफाइनाइट नो बडी नोस। तो दैट इज वाई आई सजेस्ट यू नॉट टू राइट जीरो इंटू एनीथिंग, फॉरगेट दैट जीरो इंटू एनीथिंग, यू आर स्टडिंग हायर मैथमेटिक्स एंड व्हाइल स्टडिंग हायर मैथमेटिक्स यू कैन नॉट मेक सिली मिस्टेक्स। ओके, सो आप सिली मिस्टेक्स अवॉइड करें और बी फर्म, बी डिटरमिंड, जीरो इंटू एनीथिंग इज नॉट जीरो, जीरो इंटू फाइनाइट इज जीरो, जीरो इंटू इनफाइनाइट नो बडी नोज। सो लेट्स डिस्कस नाउ, तो आप ध्यान से देखें, विच इज अ फाइनाइट वैल्यू, विच इज अ फाइनाइट वैल्यू, दो इट इज एन ऑसिलेटिंग वैल्यू, जिसकी वैल्यू ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होगी, हमें मालूम नहीं पड़ेगा कि क्या होगी इसकी वैल्यू, क्योंकि एच जीरो की तरफ बहुत तेजी से जाएगा, और जब बहुत तेजी से जाएगा तो हम बता नहीं सकेंगे कि इसकी वैल्यू क्या होगी, बहुत तेजी से बढ़ेगी, लेकिन इतनी तेजी से कि अभी तक किसी भी दुनिया में चीज की रफ्तार नहीं हुई होगी उसके बराबर, पर रहेगा वो माइनस वन से वन तक, और एच से मल्टीप्लाइड है, एच से मल्टीप्लाइड है, तो वो क्या हो जाएगा, जीरो इंटू फाइनाइट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जीरो हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो राइट हैंड लिमिट इसकी क्या आ जाएगी दोस्तों, राइट हैंड लिमिट इसकी जीरो आ जाएगी, इन द सेम वे, इन द सेम वे इसका भी राइट हैंड लिमिट वैसे ही होना है, क्यों ऐसा होना है, ध्यान से सुनिए, फिर मैं आपको लेफ्ट हैंड लिमिट पे भी डिस्कशन करता हूँ, ध्यान से देखिए, h स्क्वायर इनटू साइन वन बाय h, सेम कंसेप्ट, इसमें h है और वहां पर क्या है, h स्क्वायर है, अगर h नहीं होगा तो क्या होगा, तो इवन दैट थिंग वी विल बी डिस्कसिंग इन दिस लेक्चर, लेकिन तब तक आप इसको साथ साथ बने रहे, चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, दोस्तों तक बात भी पहुंचा दें कि आपको क्या समझ में आया क्या नहीं समझ में आया। तो आपने समझा कि इसका राइट हैंड लिमिट जीरो है, अब लेफ्ट हैंड लिमिट में हमें बहुत ज्यादा डिस्कशन की जरूरत नहीं होगी, क्यों नहीं होगी वो अब मैं बताता हूँ आपको। तो लेफ्ट हैंड लिमिट जो होगी इसका, लेफ्ट हैंड लिमिट होगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ जीरो माइनस एच, एफ ऑफ जीरो माइनस एच कौन सा अकाउंट में जाएगा, वो भी इसी में जाएगा, तो लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, आप एच की जगह जीरो माइनस एच रख दीजिए, जीरो माइनस एच साइन वन अपॉन जीरो माइनस एच, माइनस इसमें से कॉमन आ सकता है, साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, ये हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एच साइन वन बाय एच, माइनस कॉमन आके ये कैंसिल कर देगा इसको, साइन में से माइनस बाहर आ जाता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, फिर यही बात होगी क्या हो जाएगा, जीरो इंटू फाइनाइट वैल्यू फ्रॉम माइनस वन टू प्लस वन, ये क्या बन जाएगा आपका जीरो। तो क्या होगा दोस्तों, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, और फंक्शन का वैल्यू जीरो पे कितना है, फंक्शन का वैल्यू जीरो पे जीरो है, अगर ये वन होता तो फिर डिसकंटिन्यूअस होता, बट नाउ एट दिस मोमेंट दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, क्या हो गया ये दोस्तों, ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू व्हाट, कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू जीरो, अगर इसकी जगह साइन की जगह क्या होता, साइन की जगह कॉस लिखा होता,
साइन की जगह कॉस लिखा होता तब क्या होता, तब भी यह कंटिन्यूअस होता। क्यों कंटिन्यूअस होता इसका कारण सुनिए, और इसके बारे में भी मैं बता रहा हूँ, इवन दिस इज अ कंटिन्यूअस सेम लॉजिक से। अगर x इंटू कॉस वन बाई एक्स होता तो भी कंटिन्यूअस होता है, क्योंकि इसमें राइट हैंड लिमिट कितनी हो जाती है, इस केस में राइट हैंड लिमिट हो जाती है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, और आप 0 प्लस h रख देते यहाँ पे, तो ये क्या बन जाता आपका h इंटू कॉस वन बाई h। और कॉस में भी वही खास बात है कि कॉस में भी h की कुछ भी वैल्यू रखेंगे वो वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रहेगी, कॉस में भी वो वैल्यू माइनस वन से कहाँ तक रहेगी, वो वैल्यू माइनस वन से प्लस वन तक ही रहेगी। इसलिए कॉस का भी केस उसी तरह से डील होगा, और ये भी क्या बनता दोस्तों, ये भी कंटिन्यूअस बनता, क्योंकि जीरो इंटू फाइनाइट इज जीरो, तो ये भी क्या बन जाता दोस्तों, ये भी आपका कंटिन्यूअस बन जाता। इसी तरीके का एक सवाल और चलता है, बहुत पॉपुलर है, x माइनस ए साइन वन अपॉन x माइनस ए व्हेन x इज नॉट ए और जीरो व्हेन x इज ए एट x इज इक्वल टू ए। तो जब आप इसमें राइट हैंड लिमिट निकालने जाते हैं तो आप क्या रखते हैं, अब आप रखते हैं इसमें f ऑफ ए प्लस h, x के लिए ए प्लस h लिख देते हैं। तो जब मैं ए प्लस h लिखते हैं आप यहाँ पर, तो ये क्या बन जाता आप ध्यान से देखिए, ये बन जाता है ए प्लस एच माइनस ए एच, ए प्लस एच यहाँ भी रख देते तो ए कैंसिल हो जाता, फिर वही सिचुएशन बन गई जैसी पहले की। तो ये फिर उसी लॉजिक से क्या बन जाता, जीरो बन जाता। इसी तरीके से इसका लेफ्ट हैंड लिमिट भी जीरो हो जाता, और फंक्शन का वैल्यू ए भी कितना है, जीरो है, इसलिए ये भी दोस्तों क्या बन जाता, कंटिन्यूस हो जाता एट एक्स इक्वल टू ए। अगर इसी की जगह यहाँ पर स्क्वायर लगा देते तो क्या होता, तो भी कंटिन्यूस होता, और क्यूब लगा लेते तो क्या होता, कंटिन्यूस हो जाता। लेकिन जब ये नहीं होता तब क्या होता, मान लीजिए ये नहीं है, केवल आपको यही दिया हुआ है साइन वन अपॉन एक्स माइनस ए, अगर यही दिया हुआ है, ये क्वेश्चन आप बिल्कुल आसानी से समझ लें कि अब ये तो हो गया आपका, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, जीरो इंटू फाइनाइट फ्रॉम माइनस वन टू वन जीरो हो गया। और एलएचएल जब आप निकालेंगे, इतनी हमने मेहनत कर ली है, एलएचएल भी आपका इसी तरीके से आएगा एफ ऑफ जीरो माइनस एच लिमिट एच टेंड्स टू जीरो जीरो माइनस एच होल स्क्वायर साइन वन अपॉन जीरो माइनस एच लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एच स्क्वायर साइन में से माइनस बाहर आ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा। पर लॉजिक वही है आपका, क्या लॉजिक है दोस्तों, माइनस जीरो इंटू फाइनाइट फ्रॉम माइनस वन टू वन, तो वो क्या बन जाएगा आपका जीरो, माइनस का जीरो या प्लस का जीरो एक ही चीज होती है। और तीसरी चीज क्या दी है आपको, एफ ऑफ जीरो, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू क्या हो गया एफ ऑफ जीरो, देन इट हैज बिकम अ कंटिन्यूस फंक्शन। ये कैसा फंक्शन हो गया, कंटिन्यूस हो गया एट एक्स इक्वल टू जीरो। अब इस पे बात कर लेते हैं जिस पे हमने अभी यहाँ ड्रॉप किया था इस इश्यू को, और मैं इसको ड्रॉप कर देता हूँ। इससे मुझे उम्मीद है कि आपको इस तरह के क्वेश्चन के सारे कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे, इसीलिए हमने इसका एक्सक्लूसिव वीडियो बनाया ताकि आपको बहुत सारी चीजें इसमें सीखने को मिले। अब ध्यान से देखिए, एट एक्स इज इक्वल टू क्या लिखा है, ए लिखा है। अब राइट हैंड लिमिट है हमारे पास लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच, ए प्लस एच, ए प्लस एच कौन से अकाउंट में जाएगा, तो इसमें दो ही केस है, नॉट ए तो ये, ए तो ये, तो ए प्लस एच इज नॉट ए इस केस में जाएगा साइन वन अपॉन ए प्लस एच माइनस ए से कैंसिल हो जाएगा। अब क्या आ गया हमारे पास, राइट हैंड लिमिट आ गया साइन वन बाय एच, दिस इज वॉट
राइट हैंड में। अब एच जैसे जीरो की तरफ जाएगा तो वन बाय एच किसकी तरफ जाएगा, इंफिनिटी की तरफ जाएगा। एंड ये इंप्लाइज एंड साइन वन बाय एच क्या करेगा, विल ऑसिलेट फ्रॉम माइनस वन टू वन। साइन वन बाय एच विल ऑसिलेट फ्रॉम माइनस वन बाय टू वन विच इज अ फाइनाइट वैल्यू, विच इज अ फाइनाइट वैल्यू। पर मैंने आपको बताया था कि इसका एच का जीरो की तरफ जाने की जो रफ्तार है वो इतनी तेज है कि उसको कोई भी नहीं पकड़ सकता है। एच इस तेजी से जाएगा, अगर आपने बहुत तेजी से ऐसा लिख दिया 0.00000000 अप टू मार्स एंड देन मार्स, तो ये एच उससे भी छोटा होगा। कितना छोटा होगा, बहुत छोटा होगा। आपने और तेजी से कुछ लिख दिया उससे भी छोटा होगा। तो इसका मतलब एच के जीरो की तरफ जाने की रफ्तार बहुत ज्यादा होती है। तो वन बाय एच की इंफिनिटी की तरफ जाने की रफ्तार बहुत ज्यादा होती है। तो साइन वन बाय एच जो ऑसिलेट करता है वो यहाँ से यहाँ ऐसे ऐसे करता रहता है, ऐसे ऐसे करता रहता है, बहुत तेजी से करता रहेगा। आप उसको पकड़ नहीं सकेंगे, आप उसकी पोजिशन को पकड़ने की कोशिश करेंगे किसी पॉइंट पे तो आप नहीं पकड़ पाएंगे और वो तेजी से आगे बढ़ जाएगा। पर हाँ, रहेगा माइनस वन से प्लस वन तक ही रहेगा, जो कि फाइनाइट वैल्यू, ऑफ कोर्स दैट इज अ फाइनाइट वैल्यू, बट विच इज अ फाइनाइट वैल्यू बट नॉट अ फिक्स वैल्यू, नॉट अ फिक्स वैल्यू। और इसका कंसेप्ट है कि राइट हैंड कंटिन्यूटी का, कि राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और एफ ऑफ ए इक्वल होना, और तीनों क्या होना आपके पास, फाइनाइट एंड फिक्स्ड होना। अगर ये फाइनाइट और फिक्स्ड नहीं है, इफ दे ऑल आर नॉट फाइनाइट एंड फिक्स्ड, देन वी कैन नॉट से दैट दे आर कंटिन्यूअस। दैट इज व्हाई इसका जो क्वेश्चन था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन वन अपॉन एक्स माइनस ए व्हेन एक्स इज नॉट ए एंड जीरो, जीरो ऑन एनीथिंग, वन हो टू हो से कोई फर्क नहीं पड़ता, जीरो व्हेन एक्स इज इक्वल टू ए, क्योंकि यही एग्जिस्ट नहीं करेगा तो इसका तो सवाल ही नहीं पैदा होता। इज दिस कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए, इसकी जगह साइन दिया गया कॉस हो वो भी ऐसे ही होगा, कॉस वन अपॉन एक्स माइनस ए व्हेन एक्स इज नॉट ए, या यहाँ x रख दो cos 1 by x, यहाँ लिख दो 1 x not 0, 0 when x is 0 at x is equal to 0, same ground। इसको तो निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि राइट हैंड लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्या होता है कि राइट हैंड लिमिट इसकी, इसकी राइट हैंड लिमिट बनेगी दोस्तों लिमिट h tends to 0 cos 1 by h, और सेम लॉजिक कि h जीरो की तरफ जाएगा तो 1 by h इंफिनिटी की तरफ जाएगा, cos 1 by h ऑसिलेट करेगा माइनस 1 से 1 तक, वो फाइनाइट वैल्यू है, बट नॉट बीइंग अ फिक्स्ड वैल्यू इट विल बी इट्स लिमिट विल नॉट एग्जिस्ट, मींस राइट हैंड लिमिट विल नॉट एग्जिस्ट, हेंस इट विल बी अ डिसकंटीन्यूअस फंक्शन। तो आई होप कि आपको इस ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और इस क्वेश्चन से जुड़े हुए लॉजिक कंसेप्ट बिहाइंड दिस क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और मेरी हमेशा से एक ही आपसे एक्सपेक्टेशन है कि प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड इफ़ यू कैन प्रेस द बेल आइकॉन इट विल बी अ वेरी गुड कॉम्प्लीमेंट फॉर मी। आई एम डॉक्टर राकेश कुमार त्रिपाठी, योर फ्रेंड, गाइड एंड अ टीचर, सो विश यू ऑल द बेस्ट।